अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल मेथड्स के आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज के रेलेवेंट जितने भी आर्टिकल्स थे उनको डिस्कस किया था। तो अगर आपने उन आर्टिकल्स को कवर नहीं किया तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं और फिर आप एक्सरसाइज की तरफ आ सकते हैं। सो विदाउट फर्दर एडू, लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 3.1। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं ए एंड बी, दोनों 3x3 मैट्रिसेस हैं और हमें उनके ऊपर अलजेब्रिक ऑपरेशंस दिए हुए हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी, 2a + 3b, 3a - 5b, ए टाइम्स बी, बी ए। तो ये हमने कैलकुलेशंस करनी है इन दो मैट्रिसेस के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। पार्ट वन है, हमने कैलकुलेट करना है जी ए प्लस बी। सो ए प्लस बी, अब हमने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है। तो जब हम मैट्रिसेस को ऐड करते हैं, कोई से भी दो मैट्रिसेस को, उनके हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। मतलब इसका फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट, इसकी फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो क्या होगा जी, ए प्लस बी क्या होगा, ये होगा 2 + -1, सिमिलरली -3 + 3, एंड देन -5 + 5, सिमिलरली अब सेकेंड रोज पे आ जाते हैं -1 + 1, 4 + -3, एंड 5 + -5, सिमिलरली 1 + -1, -3 + 3, एंड -4 + 3। ओके, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2 + -1 ये करेंगे तो आ जाएगा 1, -3 + 3 0, -5 + 5 इज अगेन 0, -1 + 1 इज 0, 4 + -3 इज 1, 5 + -5 इज 0, एंड 1 + -1, 1 - 1 विच इज 0, -3 + 3 इज 0, एंड -4 + 3 इज -1। तो ये है ए प्लस बी। तो ये जो मैट्रिक्स आया है, ये इन दो मैट्रिसेस ए और बी का क्या है, सम है, और विच इज इक्वल टू ए प्लस बी। आइए अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं, ए माइनस बी। ए माइनस बी भी ए प्लस बी की तरह होगा। अब ये होगा कि अब हमने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करना, लाइक 2 - -1 एंड सो ऑन। तो क्या होगा जी, ये होगा 2 - -1, -3 - -3, -5 - -5, इस तरह -1 - -1, 4 - -3, 5 - -5, 1 - -1, -3 - -3, एंड -4 - -3। तो ये आ जाएगा माइनस। इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 - -1, ये 2 + 1 हो जाएगा विच इज 3, -3 - -3 क्या हो जाएगा -6, -5 - -5 इज -10, -1 - -1 विच इज -2, 4 - -3 ये 4 + 3 हो जाएगा विच इज 7, 5 - -5, 5 + 5 विच इज 10, 1 - -1, ये 1 + 1 हो जाएगा विच इज 2, -3 - -3 इज -6, एंड -4 - -3 इज -7। ये आ जाएगा ए माइनस बी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट। ये थर्ड पार्ट में हमने कैलकुलेट करना है जी 2a + 3b।
सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a प्लस 3b. बेसिकली हम ये करते हैं कि a और b मैट्रिसेस की वैल्यूज को इस एक्सप्रेशन में प्लग इन कर देते हैं. तो 2a मींस कि 2 टाइम्स a मैट्रिक्स एंड a मैट्रिक्स इज 2 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 1 4 5 एंड 1 माइनस 3 माइनस 4. सो 2 टाइम्स a प्लस 3 टाइम्स b, 3 टाइम्स b मैट्रिक्स. व्हाट इज b मैट्रिक्स? सो माइनस 1 3 5 1 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 1 3 एंड 3. ओके, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें. देखिए 2 जो है वो इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन. जब भी कोई रियल नंबर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो उसकी हर एंट्री से मल्टीप्लाई हो जाता है. सो 2 को हम इसके हर एंट्री से मल्टीप्लाई करें. 2 टाइम्स 2 इज 4, 2 टाइम्स माइनस 3 इज माइनस 6, 2 टाइम्स माइनस 5 इज माइनस 10, 2 टाइम्स माइनस 1 इज माइनस 2, 2 टाइम्स 4 इज 8, 2 टाइम्स 5 इज 10, 2 टाइम्स 1 इज 2, 2 टाइम्स माइनस 3 इज माइनस 6 एंड 2 टाइम्स माइनस 4 इज माइनस 8. ये हो गया. और प्लस, और यहाँ पे हम उसी तरह स्केलर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स से. तो 3 टाइम्स माइनस 1 इज माइनस 3, 3 टाइम्स 3 इज 9, 3 टाइम्स 5 इज 15, 3 टाइम्स 1 इज 3, 3 टाइम्स माइनस 3 इज माइनस 9, माइनस 15, माइनस 3, 9 एंड 9. ओके, अब हमने क्या करना है, इन दो मैट्रिसेस को ऐड कर देना है. इनको ऐड करके क्या आएगा जी, यहाँ पे हम ऐड करेंगे 4 प्लस माइनस 3, तो ये हो जाएगा 1, माइनस 6 प्लस 9 विच इज 3, माइनस 10 प्लस 15 विच इज 5, माइनस 2 प्लस 3 विच इज 1, 8 प्लस माइनस 9 विच इज माइनस 1, 10 प्लस माइनस 15 विच इज माइनस 5, 2 प्लस माइनस 3 विच इज माइनस 1, माइनस 6 प्लस 9 विच इज 3 एंड माइनस 8 प्लस 9 विच इज 1. तो ये आंसर. सो 1 3 5 1 नेगेटिव 1 नेगेटिव 5 नेगेटिव 1 3. Now let's move on to the fourth part. Fourth part जो इसी तरह है, यहां पर हमने 3 times A matrix minus 5 times B matrix करना. तो fourth part में हमने calculate करना है जी 3A minus 5B. तो जगह 3 times A matrix which is again 2 minus 3 minus 5 minus 1 4 5 एंड 1 माइनस 3 माइनस 4, फिर माइनस 5 टाइम्स बी, एंड बी मैट्रिक्स इज माइनस 1 3 5 1 नेगेटिव 3 नेगेटिव 5 एंड माइनस 1 3 3. ओके, तो पहले हम 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स से, तो क्या होगा, 3 टाइम्स 2 इज 6, 3 times minus 3 is minus 9, 3 times minus 5 is minus 15, minus 3, 12, 15, 3, 3 times minus 3 is minus 9 and 3 times minus 4 is minus 12. Now plus, sorry. Minus, अब 5 को यहां पे अंदर मल्टीप्लाई कर लें जी, क्या होगा, 5 टाइम्स माइनस 1 इज माइनस 5, तो 5 टाइम्स 3 इज 15, 5 टाइम्स 5 इज 25, 5 माइनस 15 माइनस 25 माइनस 5 15 15. ओके, अब इनको माइनस करेंगे तो क्या होगा जी,
तो 6 minus minus 5, 6 plus 5 हो जाएगा which is 11, minus 9 minus 15 तो हो जाएगा -24, इसी तरह -15 minus 25, -15 minus 25 तो हो जाएगा -40, -3 minus 5, -8 12 minus -15, तो ये 12 plus 15 हो जाएगा which is 27, 15 minus 25, तो ये 15 plus 25 हो जाएगा which is 40, इस तरह 3 minus -5, 3 plus 5 which is 8, -9 minus 15, -24, and -12 minus 15, -27, तो ये आ जाएगा 3A minus 5B मैट्रिक्स पार्ट विच इज फिफ्थ पार्ट. और अब हमने करना है जी कैलकुलेट ए बी विच इज ए टाइम्स बी, यानी यहाँ पे अब हमने इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना. तो देखिए मल्टीप्लिकेशन में ये हमारा मैट्रिक्स 3x3 का है, ये भी 3x3 का है, तो जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो भी 3x3 का होगा. तो मल्टीप्लाई करें, पहले मैं ए मैट्रिक्स को यहाँ लिख लेता हूँ, 2 minus 3 minus 5 minus 1 4 5 1 minus 3 minus 4 into second matrix -1 3 5 1 minus 3 minus 5 minus 1 3 and 3. ओके, तो इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे जी? जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ये फर्स्ट मैट्रिक्स की हम फर्स्ट रो को इसको ओके सेकंड मैट्रिक्स के इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह, यानी अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह उसी रो को सेकंड कॉलम से, फिर उसी रो को थर्ड कॉलम से एंड सो ऑन. अब देखिए रो को कॉलम से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं कि हम रो के फर्स्ट एलिमेंट को कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रो के सेकंड को कॉलम के सेकंड से, रो के थर्ड एलिमेंट को इसके थर्ड से, और फिर इनको हम ऐड करते जाएंगे. तो क्या होगा? ये होगा जी, सो 2 times minus 1 plus minus 3 times 1 और इसी तरह फिर प्लस माइनस 5 इंटू माइनस 1, तो प्लस माइनस 5 इंटू माइनस 1. अब इस तरह इस रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 times 3 plus minus 3 times minus 3 प्लस माइनस 5 times 3. अब इसी तरह उसी रो को आप थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 times 5 प्लस -3 times -5 प्लस -5 times 3. ये तो होगी फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन. अब इसी तरह अब हमने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो -1 times -1 प्लस 4 times 1 प्लस 5 times -1, तो -1 times -1 4 times 1 एंड प्लस 5 times -1. अब इस तरह इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें, -1 times 3 प्लस 4 times -3 प्लस 5 times 3. अब इसी तरह उसी रो को थर्ड कॉलम से, तो -1 times 5 प्लस 4 times -5 एंड 5 times 3. इसी तरह अब हम थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से, तो 1 times -1
plus minus 3 times 1 plus minus 4 times minus 1. इस तरह थर्ड रो को अब सेकंड कॉलम से, तो 1 टाइम्स 3 प्लस माइनस 3 टाइम्स माइनस 3 प्लस माइनस 4 टाइम्स 3. अब इस तरह थर्ड रो को थर्ड कॉलम से 1 टाइम्स 5 प्लस माइनस 3 टाइम्स माइनस 5 प्लस माइनस 4 टाइम्स 3. इस तरह ये हमने मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर दी. अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे जो हमारे पास टर्म्स आई हैं, तो यहां पे कर लेते हैं इनको. तो क्या होगा जी, सो विच इज इक्वल टू, सो ए बी इज इक्वल टू यहां पे उनको लिख लेते हैं. अच्छा तो अब ये क्या हो जाएगा जी, माइनस टू माइनस थ्री एंड प्लस फाइव, तो ये जाएगा माइनस टू माइनस थ्री प्लस फाइव. और ये क्या हो जाएगा जी, सिक्स प्लस नाइन माइनस फिफ्टीन. सिक्स प्लस नाइन माइनस फिफ्टीन, और ये क्या हो जाएगा, टेन प्लस फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन. तो टेन प्लस फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन, और ये क्या होगा जी, वन प्लस फोर माइनस फाइव. माइनस थ्री माइनस ट्वेल्व प्लस फिफ्टीन, ये क्या होगा जी, माइनस फाइव माइनस ट्वेंटी प्लस फिफ्टीन. ये क्या होगा जी, माइनस वन माइनस थ्री प्लस फोर. थ्री प्लस नाइन माइनस ट्वेल्व, और ये क्या होगा, फाइव प्लस फिफ्टीन माइनस ट्वेल्व. इनको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा जी, माइनस टू माइनस थ्री माइनस माइनस टू माइनस थ्री प्लस फाइव, ये क्या हो जाएगा, जीरो. सिक्स प्लस नाइन माइनस फिफ्टीन, ये भी जीरो हो जाएगा. टेन प्लस फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन, तो ये टेन हो जाएगा. वन प्लस फोर माइनस फाइव, ये भी जीरो हो जाएगा. ये भी जीरो हो जाएगा. ये कितना होगा जी, माइनस ट्वेंटी फाइव प्लस, तो ये माइनस टेन हो जाएगा. ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, और ये कितना होगा जी, एट हो जाएगा. तो ये हमारे पास ए बी आ जाएगा. ओके जी, अब हम इसका सिक्स्थ पार्ट सॉल्व करते हैं, और हमने यहां पे फाइंड करने हैं बी ए. सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास, वी हैव टू फाइंड बी टाइम्स ए, बी ए. तो उसी तरह है कि अब हमने बी को पहले लिखना है. बी मैट्रिक्स क्या है जी, माइनस वन थ्री फाइव, वन माइनस थ्री माइनस फाइव, माइनस वन थ्री थ्री, और फिर अब हमने ए लिखना है, ए को मल्टीप्लाई करना है, विच इज टू माइनस थ्री माइनस फाइव, माइनस वन फोर फाइव, एंड देन वन माइनस थ्री माइनस फोर. अब इनको मल्टीप्लाई करें जी, उसी तरह फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, तो माइनस वन टाइम्स टू प्लस थ्री टाइम्स माइनस वन प्लस फाइव टाइम्स वन. और इसी तरह सेकेंड कॉलम के साथ, सो माइनस वन टाइम्स माइनस थ्री प्लस थ्री टाइम्स फोर एंड प्लस फाइव टाइम्स माइनस थ्री. अब इस तरह थर्ड कॉलम के साथ, माइनस वन टाइम्स माइनस फाइव प्लस थ्री टाइम्स फाइव प्लस फाइव टाइम्स माइनस फोर. अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से
ये जाएगा 1 टाइम्स 2 प्लस माइनस 3 टाइम्स माइनस 1 और फिर प्लस माइनस 5 टाइम्स 1, फिर सेकेंड कॉलम के साथ 1 टाइम्स माइनस 3 माइनस 3 टाइम्स 4 प्लस माइनस 5 टाइम्स माइनस 3, थर्ड कॉलम के साथ 1 टाइम्स माइनस 5 माइनस 3 टाइम्स 5 देन प्लस माइनस 5 टाइम्स 5। अब हमने थर्ड रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। थर्ड रो इनटू फर्स्ट कॉलम माइनस 1 टाइम्स 2 प्लस 3 टाइम्स माइनस 1 प्लस 3 टाइम्स 1, फिर सेकेंड कॉलम के साथ माइनस 1 टाइम्स माइनस 3 प्लस 3 टाइम्स 4 प्लस 3 टाइम्स माइनस 3, फिर थर्ड कॉलम के साथ माइनस 1 टाइम्स माइनस 5 प्लस 3 टाइम्स 5 प्लस 3 टाइम्स माइनस 4, यहां पे माइनस 4 था। तो ये हमारी मल्टीप्लिकेशन होगी। अब हमने क्या करना है जी, इनको सिंप्लीफाई करना है। तो बी ए किसकी इक्वल होगा जी, बी क्या होगा जी, माइनस 2 माइनस 3 प्लस 5 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 5, और ये क्या होगा 3 प्लस 12 माइनस 15 3 प्लस 12 माइनस 15, और ये 5 प्लस 15 माइनस 20, ये क्या होगा 2 प्लस 3 माइनस 5, ये क्या होगा जी माइनस 3 माइनस 12 प्लस 15, और ये क्या होगा माइनस 5 माइनस 15 प्लस 20, ये क्या होगा माइनस 2 माइनस 3 प्लस 3, ये क्या होगा जी 3 प्लस 12 माइनस 9, ये क्या होगा जी 5 प्लस 15 माइनस 12। इनको सिंप्लीफाई कर लें फर्दर, बी ए विल बी इक्वल टू, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये क्या होगा जीरो, ये क्या होगा ये भी जीरो, ये क्या होगा ये भी जीरो, ये क्या होगा माइनस टू, ये कितना होगा सिक्स, और ये क्या होगा एट, ये हमारे पास आ जाएगा बी ए। तो फिर हमसे पूछा गया था कि इज ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो याद रखे कि मैट्रिसेस में ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, यानी मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होती। आप इसको एडिशन में तो कर सकते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में आप कम्यूट नहीं कर सकते, ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। सो मोस्टली जो है मैट्रिसेस में ए बी और बी ए वो सेम नहीं होते। जिस तरह देखें हमारा ए बी का आंसर और आ रहा था जबकि बी ए का आंसर डिफरेंट आ रहा है। सो उनकी कहेंगे कि इज ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो आंसर क्या होगा नो, नो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। इस तरह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज का कंप्लीट हो जाता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन टू का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पे हमें दो मैट्रिसेस दिए हुए, उनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखिए ये हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है
यानी आप देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास टू रोज है और थ्री कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है 2/3। और सेकंड मैट्रिक्स को देख ले कि इसमें थ्री रोज है और टू कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर है 3/2। ओके, और इनको मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा 2/2। तो यानी जो आउटर जो नंबर्स हैं इनसे उसका प्रोडक्ट, इससे उसका ऑर्डर आ जाएगा, तो उसका ऑर्डर होगा 2/2। इट मीन्स जो हमारा आंसर होगा वो एक 2/2 मैट्रिक्स होगा। इसको चेक कर लेना इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप कोई चीज़ मिस आउट ना करें, ताकि आपका जो रिक्वायर्ड जो मैट्रिक्स आए वो प्रॉपर ऑर्डर का हो, उसमें कोई चीज़ मिसिंग ना हो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद मल्टीप्लाइंग दीज टू मैट्रिसेस। मल्टीप्लाई करें जी, सेम भी प्रोसीजर, पहले हम फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 2 प्लस 2 × 1 प्लस 1 × −2। अब इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो 1 × −4 प्लस 2 × 5 प्लस 1 × 2। अब इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, 4 × 2 प्लस 0 × 1 प्लस 2 × −2 4 × −4 प्लस 0 × 5 प्लस 2 × 2। तो प्रोडक्ट में देखें मैट्रिसेस में हमेशा हमारे पास देखें ये एंट्री सेम आ रही है, 2 2 1 1 −2 −2 −4 −4 5 5 2 2। तो इसको भी चेक कर लेना चाहिए, तो इतनी जगह सेम नहीं आ रही है तो फिर कुछ प्रॉब्लम है हमारी कैलकुलेशन में। अच्छा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा जी, सो ये हो जाएगा 2 + 2 − 2 2 + 2 − 2 और ये क्या हो जाएगा −4 + 10 + 2 और ये क्या हो जाएगा जी 8 और ये 0 और ये −4 और ये क्या हो जाएगा जी −16 + 0 + 4। तो ये सिंप्लीफाई होकर क्या आंसर आएगा हमारे पास, 2 + 2 − 2 तो 2 हो जाएगा ये, −4 + 10 + 2 ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 8 − 4 = 4 और −16 + 4 = −2। अब देखिए जो हमारा आंसर आया है इसका ऑर्डर क्या है, 2/2। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी डिफरेंट ऑर्डर्स के मैट्रिसेस दिए हों तो शुरू में उनके ऑर्डर्स देखते हुए आप पहले से ही उनका जो प्रोडक्ट आ रहा है उसका ऑर्डर कैलकुलेट कर लें, फिर उसको उसके साथ टैली कर लें कि ऑर्डर सही आ रहा है कि नहीं, कि कोई कैलकुलेशन मिसिंग तो नहीं है। ओके, तो ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। अब हमने यहाँ पे इन थ्री मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए जब थ्री मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करने के लिए दिए हों, आप कोई से भी दो मैट्रिसेस को पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं और जो आंसर आता है उसको थर्ड मैट्रिस के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी, आप पहले इन दो को मल्टीप्लाई करके जो आंसर है उसको थर्ड से कर लें, या पहले आप इन दो को मल्टीप्लाई कर लें फिर फर्स्ट मैट्रिक्स को उस आंसर से मल्टीप्लाई कर लें। लेकिन आप इनको आगे पीछे शफल नहीं कर सकते, इनको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑर्डर जो है वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में इंपॉर्टेंट होता है। ओके, एसोसिएटिव तो है, यानी आपने तीन मैट्रिसेस दिए तो कोई से भी दो को आप ए बी टाइम्स सी या ए टाइम्स बी सी कर सकते हैं, लेकिन उसको आगे पीछे नहीं कर सकते। चलिए पहले हम फर्स्ट टू मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सेम जो वो बात जो पहले मैंने आपको बताई थी, ऑर्डर देख लें। जिस तरह देखें फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है, इसमें 1 रो है और 3 कॉलम है, 1/3। सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3/3। अब फर्स्ट टू मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने से जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा 1/3। ठीक है, तो ये चेक कर लीजिएगा। अब देखें तो फर्स्ट टू मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखें एक ही रो है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, सेम वही रो सेकंड से और सेम रो थर्ड से। तो फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम तो क्या होगा, x टाइम्स a जिस x a प्लस y टाइम्स h विच इज y h प्लस z टाइम्स d g विच इज z g। अब उसी को अब सेकंड कॉलम से, तो हम क्योंकि उसी रो में है तो हम आगे जाते जाएंगे, तो ये हो जाएगा x टाइम्स h x h प्लस y टाइम्स b y b प्लस z टाइम f z f। अब इस तरह थर्ड के साथ x टाइम्स g x g
plus y times f plus z times c, ये मैट्रिक्स है। अब देखिए ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, 1 by 3, इसमें 1 रो है और 3 कॉलम्स हैं, ओके, तो इसका ऑर्डर क्या आ गया, 1 by 3। ठीक है, अब सेकंड मैट्रिक्स एज इट इज एक्स वाई जी, और इसका ऑर्डर कितना है, यहाँ इसमें 3 रोज है और 1 कॉलम है, 3 by 1। अब हमने इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो इनका जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा 1 by 1। इंटरेस्टिंग बात है, अब ये हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो जस्ट 1 by 1 होगा, ये उसमें एक ही एलिमेंट होगा, एक रो एक कॉलम होगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि देखिए एक ही रो है यहाँ पे और एक ही कॉलम है, तो जस्ट हमारे पास आंसर में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, तो क्या होगा, दिस रो इनटू दिस कॉलम करेंगे तो क्या होगा, इसके फर्स्ट एलिमेंट को इससे एक्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या होगा, एक्स ए प्लस वाई एच प्लस जेड जी टाइम्स एक्स, फिर प्लस इसको y से मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स एच प्लस वाई बी प्लस जेड एफ टाइम्स y, फिर प्लस इसको हम z से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एक्स जी प्लस वाई एफ प्लस जेड सी टाइम्स z। तो देखिए ये हमारे पास अब एक ही टर्म आई है, तो 1 by 1 आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लें, x को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो क्या होगा, एक्स स्क्वेयर है प्लस एक्स वाई एच प्लस एक्स जेड जी, इसी ऑर्डर में आप लिख सकते हैं इसको, ये फर्स्ट आ गया, सॉरी एक ये आ गया, प्लस ये क्या होगा, एक्स वाई एच प्लस वाई बी वाई स्क्वेयर बी प्लस वाई जेड एफ प्लस एक्स जेड जी प्लस वाई जेड एफ प्लस जेड स्क्वेयर सी, एक ही टर्म आ गई। क्या ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकते हैं, तो अब एक्स स्क्वेयर है तो हमारे पास और कोई टर्म नहीं है, तो इसको लिखते हैं एक्स स्क्वेयर है, ठीक है, एक्स वाई एच, एक्स वाई एच तो ये हो जाएगा 2 times, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हो जाएगा 2 times एक्स वाई एच, फिर इसी तरह एक्स जेड जी एंड एक्स जेड जी तो जाएगा 2 times एक्स जेड जी, फिर उसके बाद वाई स्क्वायर टर्म कोई नहीं है तो हम इसे एजेट लिख लेंगे वाई स्क्वायर बी, फिर वाई जेड एफ तो 2 times वाई जेड एफ, ठीक है, ये भी हो गया, और प्लस जेड स्क्वायर सी। तो देखिए ये हमारे पास जो आंसर आया है इसमें सिर्फ ये एक ही टर्म है थ्रू आउट, इसका जो ऑर्डर है वो 1 by 1। ये अब हमारा क्वेश्चन 2 का नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, कि अब हमने यहाँ पे 1, 2, 4, -3 मैट्रिक्स का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो मैट्रिक्स का स्क्वायर का क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि हम मैट्रिक्स को, इस मैट्रिक्स को इसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1, 2, 4, -3 टाइम्स दिस मैट्रिक्स, ये अगर किसी भी मैट्रिक्स को उसी से मल्टीप्लाई करें तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो सिंपली आप इनको मल्टीप्लाई करें, देन वी विल गेट द आंसर। मल्टीप्लाई करें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 1 times 1 प्लस 2 times 4, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 1 times 2 प्लस 2 times -3, अगेन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 times 1 प्लस -3 times 4 एंड 4 times 2 प्लस -3 times -3, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 plus 8, ये क्या हो जाएगा 2 minus 6, 4 minus 12 एंड 8 plus 9, तो क्या आंसर आएगा जी, 9 minus 4 minus 8 and 17, सो दिस इज दिस मैट्रिक्स स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट में अब हमने 1, 2, 4, -3 इस मैट्रिक्स का क्यूब फाइंड करना है। तो देखिए पार्ट 3 में हमने इस मैट्रिक्स का स्क्वायर फाइंड किया था और स्क्वायर का आंसर ये आया था, और देखिए क्यूब को हम इस तरह लिख सकते हैं कि 1, 2, 4, -3 स्क्वायर इनटू 1, 2, 4, -3। देखिए इस मैट्रिक्स की क्यूब को हम इस तरह लिख सकते हैं। अब प्रीवियस पार्ट में जब हमने स्क्वायर इवैल्यूएट किया था तो वो ये आया था
वाया था 9 - 4 - 8 17 ये स्क्वायर था, ये हम पहले कर चुके हैं। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे एक दफ़ा दोबारा हम इस मैट्रिक्स से, तो इसका क्यूब आ जाए। तो क्या होगा, अब इनको मल्टीप्लाई करें अगेन, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, तो 9 × 1 + -4 × 4, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 9 × 2 + -4 × -3, इस तरह -8 × 1 + 17 × 4 एंड -8 × 2 + 17 × -3। ये क्या हो जाएगा जी 9 - 16, ये क्या हो जाएगा जी 18 + 12 - 8 + 68 - 16 - 51, सो विच इज इक्वल टू 9 - 16 - -7, 18 + 12 = 30, -8 + 68 = 60, and -16 - 51 = -67। तो ये हमारे पास आ जाएगा -7, 30, 60, -67। ओके, तो ये हमारा अब क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट। अब हम इस मैट्रिक्स का स्क्वायर फाइंड करना है। तो अब देखिए, इस मैट्रिक्स के स्क्वायर का मतलब ये है कि इसको हम इसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि -1 - 1 - 1 - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 मल्टीप्लाइड बाय सेम मैट्रिक्स अगेन, -1 - 1 - 1 - 0 - 1 - 0 and 0 - 0 - 1। इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लें, तो क्या होगी जी मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, तो -1 × -1 - 1 × 0, फिर -1 × 0, इसका सेकंड से करें -1 × -1 - 1 and -1 × 0, फिर थर्ड से -1 × -1 + -1 × 0 and then -1 × 1। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से 0 × -1 - 1 - 0 - 0 - 1 - 1 - 0 - 0 - 1 + 0 - 0 + 1 - 1। और अब थर्ड रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 × -1 - 0 × 0 + 1 × 0 - 0 × -1 + 0 × 1 + 1 × 0 - 0 + 0 × 0 + 1 × 1। सिंप्लीफाई करें क्या होगा जी, ये हो जाएगा -1 × -1 = 1 - 0 - 0, तो 1 + 0 + 0 = 1 आ जाएगा, 1 - 1 और ये 0, ये भी 0 हो जाएगा, 1 - 0 - 1 ये 0 हो जाएगा, ये भी सारा 0 हो जाएगा, 0 + 1 + 0 तो ये 1 हो जाएगा, 0 - 0 - 0 - 0 - 0 और यहाँ पे 0 - 0 - 0 और यहाँ पे 0 - 0 - 1। तो ये आंसर आ जाएगा 1 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 1 विच इज मैट्रिक्स आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर आ गया। तो ये अब क्वेश्चन 2 का 6 पार्ट है, यहाँ पे हमने इस मैट्रिक्स का क्यूब फाइंड करना है। तो देखें, फिफ्थ पार्ट में हम इसका स्क्वायर ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो देखिए, क्यूब को हम इस तरह लिख सकते हैं,
minus 1, minus 1, minus 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. तो इस मैट्रिक्स का स्क्वायर इनटू द सेम मैट्रिक्स इस तरह लिख सकते हैं। और अब देखिए इसी मैट्रिक्स का स्क्वायर हमने पार्ट 5 में कैलकुलेट किया था, तो ये क्या आ रहा था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा था 1 0 0 0 1 0, तो ये आ रहा था 1 0 0 0 1 0 0 1, ये आ रहा था, तो ये स्क्वायर था। अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर देने किसके साथ, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 0 0 0 1। तो देखिए अब इसको मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं इसी तरह हम करते हैं, लेकिन क्योंकि देखिए ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आपको ये बात पता है कि जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का साथ हम किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस वही आंसर आता है, इट मीन्स का जो आंसर होगा वो वापस ये मैट्रिक्स आएगा। अब बेशक मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू द सेम मैट्रिक्स, तो ये आंसर होगा। ओके जी, ये हमारा क्वेश्चन 3 है, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिसेस ए एंड बी इज द जीरो मैट्रिक्स व्हेन थीटा एंड फाई डिफर बाय एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तो यहाँ पे हमें दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, हमने ये प्रूव करना है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो जीरो होगा कि अगर थीटा और फाई का डिफरेंस पाई बाय 2 हो। तो सिंपली पहले हम क्या करते हैं कि इन दोनों मैट्रिसेस का पहले हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। सॉल्यूशन प्रूफ, सिंपली आप मल्टीप्लाई करें दोनों को, तो ए टाइम्स बी क्या होगा, सो ए बी विल बी इक्वल टू, मल्टीप्लाई करें 2 by 2 मैट्रिसेस हैं, सिंपली फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर फाइ, कॉस स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर फाइ प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, मल्टीप्लाइड बाय कॉस फाइ साइन फाइ। अब इसी तरह इस रो को आप सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू दिस, तो ये हो जाएगा जी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस फाइ साइन फाइ प्लस कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाइ। अब इस तरह सेकंड क्या होगा जी, कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाइ प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस फाइ साइन फाइ। अब इससे मल्टीप्लाई करें जी, कॉस थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस फाइ साइन फाइ प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाइ, तो ये आ गया इन दोनों का प्रोडक्ट। तो अब देखिए इन टर्म्स में से यहां पे हम क्या चीज कॉमन ले सकते हैं, तो देखिए यहां से हम इस पे लिख सकते हैं, देखिए यहां से क्या कॉमन हम ले सकते हैं, कॉस थीटा कॉस फाइ, कॉस थीटा कॉस फाइ को हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या रह जाएगा अंदर, ये रह जाएगा कॉस थीटा कॉस फाइ प्लस साइन थीटा साइन फाइ, और इस तरह यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, यहां से हम कॉस थीटा साइन फाइ कॉमन ले सकते हैं, कॉस थीटा साइन फाइ कॉमन ले लें, तो यहां क्या रह जाएगा कॉस थीटा कॉस फाइ प्लस यहां क्या रह जाएगा कॉस थीटा साइन फाइ कॉमन चला गया, तो क्या रह जाएगा साइन थीटा साइन फाइ। ओके, इसी तरह यहां से क्या कॉमन निकल सकता है, साइन थीटा कॉस फाइ या कॉस फाइ साइन थीटा,
ये हम कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ क्या रह जाएगा, साइन थीटा कॉस फाई हमने कॉमन लिया, तो क्या रह जाएगा जी, कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। यहां से क्या काम निकलेगा, साइन थीटा साइन फाई साइन थीटा साइन फाई हम कॉमन ले लें, तो क्या रह जाएगा अंदर हमारे पास, साइन थीटा साइन फाई, तो ये जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। ओके, तो अब देखिए यहां हर टर्म है हमारे पास ये चीज सेम आ रही है। अब देखिए ये क्या चीज है, कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, दिस इज बेसिकली कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई, कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई। तो अब इस मैट्रिक्स को हम आगे फर्दर यहां पे लिख लेते हैं। ओके, तो ये क्या होगा जी, सो ए बी इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई, और इस तरह यहां पे कॉस थीटा साइन फाई इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई, यहां पे cos phi sin theta into cos of theta minus phi, और यहां पे sin theta sin phi into cos of theta minus phi। अब देखिए इस मैट्रिक्स में हर टर्म में जो है वो क्या चीज आ रही है, cos of theta minus phi आ रहा है, तो cos of theta minus phi को हम यहाँ कॉमन ले सकते हैं, cos of theta minus phi कॉमन ले लें, यहाँ मैट्रिक्स में क्या रह जाएगा, cos theta cos phi, यहाँ पे cos theta sin phi, और यहाँ पे cos phi sin theta, और यहाँ पे sin theta sin। अच्छा, अब देखें, अब हमने ये देखना था कि ये मैट्रिक्स जो आ रहा है, प्रोडक्ट जो आ रहा है, ये जीरो कब होगा। अब देखिए ये जीरो हो कि जब ये टर्म आपके जीरो हो जाए, देखिए कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव, तो कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव कब जीरो होगा, क्योंकि तो कॉस जीरो कहाँ पे होता है, पाई बाय टू पे, थ्री पाई बाय टू पे, फाइव बाय टू एंड सो ऑन। तो देखें अगर यहाँ पे उसने कहा था कि थीटा और फाइव का डिफरेंस कोई भी यानी ऑड मल्टीपल हो पाई बाय टू का, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो जीरो होके ये सारा कुछ जीरो टाइम्स एट मैट्रिक्स, तो हमारे पास जीरो मैट्रिक्स आंसर आ जाएगा। ओके, सो हियर इफ थीटा माइनस फाइव, यानी इनका जो डिफरेंस है कोई भी ऑड मल्टीपल हो, मतलब टू एन प्लस वन बाई टू, और एन कोई भी यहाँ पे, और एन यहाँ पे कोई भी इंटीजर है, तो देखें ये एक ऑड मल्टीपल आएगा, यानी थीटा माइनस फाइव का डिफरेंस अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू होगा, तो डेफिनेटली कॉज ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू आपको पता है क्या होता है, जीरो। सो दिस इंप्लाइज कॉज ऑफ थीटा माइनस फाइव विल बी इक्वल टू जीरो। ओके, सो दिस इंप्लाइज अवर दिस मैट्रिक्स ए बी, तो अगर ये टर्म जीरो होगी तो ये सारा कुछ जीरो हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज ए बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, तो ये हमने प्रूव करना था। तो जीरो यहां पे मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हमने मैथमेटिकल मेथड्स की एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3।